कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। वो दो बार अंतरिक्ष में गई। इनकी पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ कि कल्पना चावला समेत कई अंतरिक्ष के दीवाने हमेशा के लिए अंतरिक्ष के सितारों में ही समा गए। तो आखिर उस दिन क्या हुआ? क्या नासा को इस भयानक दुर्घटना का अंदाजा पहले ही हो गया था? और क्या कल्पना पहले से जानती थी वो वापस नहीं आएगी? जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को भारत के हरियाणा में हुआ था। कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। 1976 में नॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली ये इकलौती लड़की थी और यही से इनके अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ। 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की और यहीं पर इनकी मुलाकात जॉन पियरने हेडिशन से हुई और इन्होंने 1983 में शादी कर ली। कल्पना ने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। ये वही साल था जब कल्पना ने नासा को ज्वाइन किया। इसके साथ ही 1991 में इन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और इन्हें दिसंबर 1994 में अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने इन्हें 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए स्पेशलिस्ट और प्राइम रोबोटिक ऑपरेटर रिकमेंड किया। आखिरकार कल्पना की लाइफ में वो दिन आ ही गया जिसका उसने वर्षों से इंतजार किया था। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडियन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस पहुंचा। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। पहले मिशन की कामयाबी से नासा के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर थी। नासा अपने दूसरे मिशन की तैयारी करने लगा। 2001 में नासा ने कल्पना को अपने दूसरे मिशन के लिए सिलेक्ट किया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन इस बार कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कमी आ रही थी, जिसकी वजह से इसकी लॉन्च डेट 18 बार आगे बढ़ानी पड़ी। स्पेस शटल की सारी खराबी को ठीक करने के बाद फाइनली 16 दिसंबर 2003 को इस मिशन ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। ये मिशन स्पेस में पूरे 15 दिन 20 घंटे रहा और 1 जनवरी 2003 को धरती की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब ये मिशन धरती की तरफ लौट रहा था तो अचानक से स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट को जोर का झटका लगा और उनकी सांसें आना भी बंद हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी ग्रुप मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही क्रू मेंबर का बॉडी टेम्परेचर एक साथ बढ़ गया, इनका खून उबलने लगा और कोलंबिया स्पेस शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद वायुमंडल की गैसों के दबाव पर कंट्रोल ना होने की वजह से कोलंबिया की इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, जिससे ये धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस से एक आग का गोला बनकर उभरा और सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस तरह नासा का ये दूसरा स्पेस मिशन सफल होकर भी असफल हो गया। इस घटना के कई सालों तक तो वैज्ञानिक ठीक से ये पता भी नहीं लगा पाए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। पहले तो ये सोचते रहे कि इसमें कहीं न कहीं क्रू मेंबर की ही गलती रही होगी, लेकिन बाद में नासा के वैज्ञानिकों की इस स्पेस शटल पर की गई रिसर्च के बाद एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। नासा के अनुसार ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ है। दरअसल इंसुलेशन फोम रॉकेट में यूज होने वाला एक प्रकार का ईंधन है। जब रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसमें दो तरह का फ्यूल यूज होता है, एक लिक्विड और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये गैसें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसीलिए रॉकेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है, ताकि बाहर हीट अंदर ना जा सके। ये स्पेस शटल रॉकेट से कनेक्ट होता है, इसलिए इसे हीट से बहुत ज्यादा खतरा होता है, जो 3000 डिग्री तक भी पहुंच जाती है। इसलिए स्पेस शटल को हीट से बचाने के लिए कई तरह का कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। इसके रिकॉर्डिंग को व्हाइट टाइल से कवर किया जाता है, जो इसे 1200 डिग्री की हीट से बचाती है। इसके पिछले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे 2300 डिग्री सेल्सियस की हीट से बचा सकती है। स्पेस शटल के विंग को हीट से बचाने के लिए RCC से कवर किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन जब यहां से शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के विंग से टकरा गया और विंग में लगभग 10 इंच गहरा एक छेद हो गया। इस छेद की वजह से ही जब ये स्पेस शटल स्पेस से धरती पर आ रहा था तो ये वातावरण की गैसों का दबाव झेल नहीं पाया और सारी हीट स्पेस शटल के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से इसमें बैठे क्रू मेंबर की सांस रुकने लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस दर्दनाक घटना का मुख्य कारण आइसोलेशन फोम ही था, जिसे एक रिसर्च करके प्रूफ किया गया।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इस बात का राज पता चल गया होगा कि आखिर कैसे कल्पना चावला और उसमें बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक मौत हुई थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।